केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि जिन जिलों में लंपे स्किन बीमारी से पशु पीड़ित है उन जिलों में सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया जाए ताकि दूसरे जिलों में इस बीमारी का फैलाव से रोका जा सके। पुरुषोत्तम रूपाला ने चंडीगढ़ में पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लंपे स्किन बीमारी पर चर्चा की गई। डेयरी मंत्री ने चर्चा करते हुए कहा कि अभी हरियाणा के 8 जिले इस गंभीर बीमारी से बचे हुए हैं जहां अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में इस बीमारी का प्रभाव है उन जिलों के पशुओं को केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लंबी स्किन वैक्सीनेशन किया जाए। हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के मंत्रियों से और अधिकारियों से मिलने के लिए आया था। खास करके इन दोनों राज्यों में लंपी स्किन डिसीज जिस प्रकार से बढ़ रहा था इसको देखने उसके बारे में यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए और भारत सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस राज्यों को दी गई है उनके बारे में यहाँ क्या स्थिति चल रही है उसकी जानकारी लेने हेतु प्रत्यक्ष रूप से मैं और हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी मलिक जी हम दोनों आए थे। हमारे जो कमिश्नर हैं पहले मैं पंजाब सरकार के पशुपालन विभाग के माननीय मंत्री श्री और उनके राज्य के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर पंजाब भवन में सारी स्थिति की समीक्षा की। हरियाणा एवं पंजाब